देख रहे हैं खटपट न्यूज। प्रदेश की कांग्रेस सरकार और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर किसानों के साथ छल करने का आरोप लगाते हुए जिला भाजपा ने प्रदर्शन किया। भाजपा व किसान मोर्चा ने खाद की किल्लत और व्यापारियों के द्वारा की जा रही खाद की कालाबाजारी पर नियंत्रण नहीं होने के लिए सरकार को निशाने पर लिया। प्रदेश उपाध्यक्ष लखनलाल देवांगन ने कहा है कि चुनाव के समय किसानों से किया वादा भूपेश सरकार भूल गई है। खेती किसानी के सीजन में किसान को खाद के लिए भटकना पड़ रहा है और महंगे दर पर खरीदने की मजबूरी है। विधायक ननकीराम कंवर ने कहा है कि खाद की कालाबाजारी को भूपेश सरकार की मौन स्वीकृति मिली है, किसान परेशान है। कोरबा जिला किसान मोर्चा के तत्वाधान में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन, जो कांग्रेस सरकार की नीति और नियत जो है, जो जनता के बीच में है, किसानों को जो गुमराह करके वोट लिया और आज किसानों को तरह तरह के तकलीफ में डाल रहा है। किसान मोर्चा अपनी तत्वाधान में पूरा प्रदेश में हर जिला में एक दिवसीय धरना आयोजन किया गया। वैसे तो ये सरकार जब से आई है तब से हर तरह से हर क्षेत्र में परेशानी नजर आ रही है, विशेषकर किसानों की। गौशाला युवाओं से मैं देख रही हूँ, हर जगह छापा, किसान के घर भी छापा, धान खरीद नहीं पा रहे थे और जबकि एक एक दाना धान खरीद नहीं पा रहे थे। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजीव सिंह ने कहा है कि आज किसान खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष चुलेश्वर राठौर ने भी प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ किसानों को सही ढंग से नहीं मिल पाने का आरोप लगाया है। किसान के खिलाफ जो या किसान के लिए जो इन लोगों ने कई वादे किए थे और किसान के कंधे पे बंदूक रख करके ये सत्ता शासन में आए थे और 3 साल इनके बजट को पेश किए हुए हो गए हैं, आज तक कोई भी किसान को जो वादे किए थे वो पूरा नहीं कर रहे हैं। शुरू से किसान के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, चाहे वो रकवा का मामला हो, चाहे वो बारदाना का मामला हो, चाहे वो किसानों को किश्त देने का मामला हो, चाहे वो बोनस देने का मामला हो, सभी चीज़ों में यह ठगी कर रहे हैं और अंत में तो यहाँ तक पहुँच गए हैं कि जो किसान खाद दे करके अपनी ज़मीन बोता है और अच्छी फसल उगाता है, उस खाद की भी आपूर्ति राज्य सरकार नहीं कर पा रही है और सभी का ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पे फोड़ती है। पुराना बस स्टैंड में हुए प्रदर्शन में ज्योतिनंद दुबे, संतोष देवांगन, आकाश सक्सेना, आलोक सिंह, प्रफुल्ल तिवारी, संजय शर्मा, नरेश टंडन, पंकज सोनी, वैशाली रत्न पारखी, सूरज सरजू, अजय अविनाश सिंह कंवर, अनिरुद्ध चंद्रा, परविंदर सिंह, धन्नु दुबे आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज। देख रहे हैं खटपट न्यूज।